लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के भस्को गांव निवासी स्वर्गीय एतवा उरांव के पुत्र दशरथ उरांव के खिलाफ रविवार की रात महिला थाना में एक मानसिक दिव्यांग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पीड़िता ने अपने परिजनों के साथ महिला थाना पहुंचकर प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है, परंतु आरोपी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहा है। इसी बीच सोमवार की सुबह लोहरदगा रांची रेल लाइन से भटखिचड़ी गांव के समीप आरोपी का शव बरामद किया गया। प्रथम दृश्य यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हो रहा था, परंतु पुलिस जांच के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचने की बात की जा रही है। फिलहाल आरोपी के शव पोस्टमार्टम के लिए लोहरदगा सदर अस्पताल भेज दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि सदर थाना क्षेत्र में यह शव मिलने की वजह से सदर थाना पुलिस रेलवे ट्रैक से शव मिलने के आरपीएफ की टीम और दुष्कर्म के मामले आरोपी का शव मिलने से महिला थाना पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। तीन तीन पुलिस की टीम जाँच में जुटी हुई है। हमारे थाने में कल एक रेप का केस हुआ था। एक 25 साल की है, मेंटली डिस्टर्ब है, भक्सो गांव की एक लड़की, उसी के साथ रेप का मैटर आया हुआ था कल शाम में, तो उसी को लेके एफआईआर हुआ था दशरथ उरांव के नाम से। तो अभी सुनने में मिला है कि जो है लोहरदगा थाना अंतर्गत ये जो ईरगांव है उसी आसपास उसका डेड बॉडी मिला है रेलवे ट्रैक पे। तो वो तो लोहरदगा थाने का जाँच का विषय है कि उसका क्या है मृत्यु का कारण, पोस्टमार्टम के लिए भेजा हुआ है और बाकी जाँच हम लोग का भी जो है केस में अनुसंधान किया जा रहा है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।